चीन ने एक बार फिर से ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। वॉर एक्सपर्ट का दावा है कि इस बार चीन ने ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए सेना, वायुसेना, नेवी और रॉकेट फोर्स को उतारकर साफ कर दिया है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ खूनी जंग शुरू कर दी है। गया ताइवान, ऑपरेशन फोर्स से चीन का हमला। ताइवान के बेहद नजदीक चीन की यह फौजी घेराबंदी साबित करती है कि ताइवान पर चीन किसी भी वक्त हमला करके कब्जा कर सकता है। चीन ने महज 24 घंटे के अंदर ताइवान के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करके एक तरह से युद्ध की शुरुआत कर दी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन ने ताइवान की चारों तरफ से घेर लिया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त ताइवान की चारों तरफ चीनी सेना कहां कहां घेराबंदी कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 24 घंटे के अंदर ताइवान के खिलाफ अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को तैनात कर दिया है। खबर के मुताबिक चीन ने अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को ताइवान के खिलाफ उतारा है। हैरानी की बात तो ये है कि चीन का ये फौजी पैंतरा ताइवान के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान स्ट्रेट, उत्तर दक्षिण ताइवान और पूर्वी ताइवान को चारों तरफ से घेरा है। चीन ने वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स से पूरी क्षमता के साथ ताइवान के खिलाफ तैयार कर लिया है। चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल को पनिशमेंट ड्रिल नाम दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि 3 दिन पहले ही ताइवान में नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते ने शपथ ली, जिन्हें चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। इसलिए चीन ने ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते को वॉर ड्रिल के जरिए धमकी दी है। चीन किसी भी वक्त ताइवान के इलाकों पर कब्जा कर सकता है। ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते ने चीन की इस हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आप ये भी जान लीजिए, ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीनी सेना इस वक्त ताइवान के इलाके में क्या कर रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि उन्होंने सुबह 7:45 बजे ताइवान के आसपास संयुक्त मिलिट्री ड्रिल शुरू की। उसके आसपास के ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीपों किनमेन, मात्सू, वुकियू और जोंगयिंग को भी चीनी सेना ने टारगेट किया है। ताइवान के घेराबंदी करने के लिए चीन ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान J-20 और J-16 टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक TF मिसाइल और लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर को समुद्र में उतारा है। चीनी सेना ने सैन्य अभ्यास को ताइवान की आजादी चाहने वालों के लिए सजा बताया है।